स्टेशन पर फिरोजाबाद में शराब की दुकानों पर तहसीलदार ने की छापेमारी। आपको बता दें कि यह पूरा मामला है टूंडला का, जहां पर सोमवार को तहसीलदार गजेंद्र पाल सिंह ने नगर में चल रही अंग्रेजी शराब की दुकानों पर छापेमारी कर की जांच। तहसीलदार ने बताया कि वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया है, लेखपालों को लगाकर सभी शराब की दुकानों की जाँच की जा रही है, जिससे चुनाव में अवैध रूप से शराब न बेच सके। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए देवशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। बुलंदशहर के जवाहर इंटर कॉलेज बुकलाना में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं ने भाग लिया तथा प्रथम चरण में सभी विद्यार्थियों ने पैदल पदयात्रा से पूरे गांव में घूमकर सभी ग्रामवासियों को मतदान जागरूकता अभियान से लोगों को जागरूक किया और कहा कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, क्योंकि प्रत्येक नागरिक के पास एक स्वतंत्र वोट। वहीं अभियान के चलते लोगों को बताया कि कोई भी व्यक्ति वोटों का बहिष्कार न करे, हमारी एक वोट बहुत बहुमूल्य है। दूसरे चरण में सभी विद्यार्थियों ने अपने सभी टीचर स्टाफ के साथ मतदान जागरूकता हस्ताक्षर अभियान कैंपेन चलाया, जिसमें सभी ने मिलकर एक बोर्ड पर हस्ताक्षर किए। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, बुलंदशहर। लखीमपुर खीरी में दिनांक 2 अप्रैल को करीब 2:30 बजे सुंदरवन पुलिस चौकी थाना फूल बेहर जिला खीरी चौराहे के पास स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जा रही थी कि पीछे से स्कॉर्पियो गाड़ी नंबर UP 3195000 ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें स्विफ्ट डिजायर गाड़ी काफी टूट गई, जिसमें दरोगा सुनील कुमार सिंह ने लोकल स्कॉर्पियो गाड़ी बिजुआ की बताई जा रही है। वहीं दरोगा सुनील कुमार सिंह ने कल ही सरदार जी से पैसे की लेन देन की बात कर ली, और जिससे बार बार स्विफ्ट डिजायर गाड़ी वाले पर ही रौब दिखाते हुए वह जबरन समझौता करवा कर भगा दिया गया। कब कब की है ये, किस माँ की खराब है, हमसे करा था 6 महीने पहले, कब ने खरीदा? हाँ खरीदे 6 महीने पहले खरीदे। कहाँ का नंबर है? 15 है ये हमसे पूछे थे कल, हमसे करा बिल्कुल नई गाड़ी 6 महीने पहले खरीदा। 6 महीना पहले मतलब हमने नहीं क्या करे, हमने कहा कि एकदम नई गाड़ी हमारी 6 महीने पहले खरीदी हमने। 6 महीना पहले मतलब हम लाया इनका 20,000। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अमित अवस्थी की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी। जनपद फिरोजाबाद के नारकी ब्लॉक के ग्राम पंचायत आतिपुर खेरिया में किसी भी घर में एक भी शौचालय नहीं बना है, जबकि पूरा जिला फिरोजाबाद ODF खुले में शौच मुक्त हो चुका है। वही ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान मान सिंह पर आवासों के नाम पर पैसे लेने की बात भी कही, जिसमें ज्यादातर आवास पर प्लास्टर तक नहीं हुआ है। लाभार्थियों का कहना है कि ग्राम प्रधान ने उनसे 2,00,000 रुपए लिए हैं। वही लाभार्थियों का कहना है कि ग्राम प्रधान ने उनसे 20,000 रुपए लिए, जिसमें संजय पुत्र बाबूलाल ने उन्हें बताया कि 1,20,000 में 20,000 प्रधान जी ने लिए, जिसमें से मेरे आवास पर प्लास्टर नहीं हुआ। निवासी कुसुमलता पत्नी गिरेंद्र कुमार ने आवास देने के नाम पर प्रधान से प्रधान ने 5,000 रुपए खुद लेने की बात भी कही। वहीं ग्रामवासियों ने प्रधान पर भेदभाव का आरोप भी लगाया कि मुस्लिम बस्ती में पेयजल और हैंडपंप भी खराब पड़े, जिन्हें प्रधान द्वारा संभाला तक नहीं जा रहा है। गाँव का पंचायत भवन जर्जर स्थिति में, जिसे ग्रामवासी शौचालय की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। गाँव के क्रीड़ा स्थल पर कूड़े गंदगी मवेशी बांधी जाते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर स्थिति में, प्राथमिक विद्यालय के समीप तालाब पर लोगों द्वारा अवैध कब्जा लिया गया, जिसको भी ग्राम प्रधान द्वारा हटवाए जाने का कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। सफाई कर्मी भी प्रतिदिन गांव में नहीं आते, जिससे नालियां गंदगी से भर गई। वहीं ग्राम प्रधान का कहना है कि हमारी कोई कमी नहीं है, गांव वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं। जब ही पत्रकारों से वार्ता करने पर उन्होंने कहा कि आप पूरे जिले के पत्रकार एक साथ मेरे घर आ जाओ, देखते हैं आप लोग मेरा क्या कर लेंगे, और ग्राम प्रधान ने अपनी ही सफाई को पत्रकारों के सामने पेश किया, ना किसी गांव वाले की समस्या सुनना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा कि आप लोग मेरा क्या कर लोगे, और प्रधान ने अपनी ही सफाई को पत्रकारों के सामने पेश किया, ना किसी गांव वाले की समस्या को सुनना मुनासिब भी नहीं समझा। क्या नाम है? अरविंद कठेरिया। मामला क्या पूरा? मामला ये है कि सभा बने बने करवा रहे हैं, बीजेपी के नेता गवेंद्र शर्मा मंडल मंत्री, इनके घर से खत्म शुरू हो रही है, इनके घर में दूसरे घर पर खत्म हो रही है RCC। घर तक छोटी सी गली और घर तक जा रही है, अंदर तक जा रही है, और इस गली में कितना कचरा है, कितनी गंदगी है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कि बीजेपी वाले अपने अपने काम करवाते रहेंगे, किसी और को भी देखेंगे कि बीजेपी सरकार में जो वोट दे रहा है वो साथ में रह रहा है, सब कर रहा है, इन्हीं को देखेंगे, किसी और तो को आपके देखेंगे। गांव प्रधान कौन है? प्रधान है मान सिंह। तो वो विकास नहीं कराते क्या? विकास क्या कराएंगे वो,
ये करवा रहे हैं अपना बीजेपी वाले। क्या पूरा मामला क्या है? ये मामला ये है कि इसमें आरसीसी ये नहीं है, कुछ भी नहीं है, गंदगी रहती है बहुत ज्यादा। एक नाली है यहाँ पर और पानी हस में भरा हुआ और रहता है यहाँ पर, आदमी लोग परेशान रहते हैं यहाँ पर। और इस चीज में आरसीसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। विकास कब से विकास हुआ? ये काफी साले हुई है। और टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए देवशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद।